नमस्ते, हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ 11th लॉर्ड इन 4th हाउस के बारे में। तो देखिए, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं इस कॉम्बिनेशन के बारे में, हम लोग ये देख लेते हैं कि बृहत पराशर होरा शास्त्र इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र जो है उसने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा बताया हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पर वो लिखते हैं कि अगर एकादशेश चतुर्थ में हो तो मातृ कुल से धन पाने वाला, तीर्थ करने वाला और घर भूमि के सुख से युक्त होता है। तो बेसिकली अगर देखेंगे आप तो बृहत पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी अच्छा बताया हुआ है। अगर हम टेक्निकली इस कॉम्बिनेशन को समझें तो यहाँ पे देखिए, जो 11th लॉर्ड है, जो लॉर्ड ऑफ गेन्स है, लाभेश है, वो केंद्र में जा रहा है, चतुर्थ स्थान में। एंड एज़ पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कोई भी प्लैनेट अगर केंद्र में या त्रिकोण में होता है, इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो 11th लॉर्ड है, जब हम इसको देखते हैं तो हमारे को इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो 11th हाउस से केंद्र में जा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे लगन से तो ये केंद्र में जा रहा है, लेकिन 11th हाउस से ये 6-8 कॉम्बिनेशन है, यानी 11वें से छठे स्थान में जा रहा है। इस वजह से जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी रहता है। हाँ, अगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में राजयोग वगैरह कोई बन जाए, कोई धनयोग बन जाए, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे इसको तो थोड़ी बहुत ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। लेकिन यस, सम थिंग्स जो बृहत पराशर होरा शास्त्र में दी गई हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट भी बैठती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बृहत पराशर होरा शास्त्र कहती हैं कि मातृ कुल से इनको धन की प्राप्ति होती है या प्रॉपर्टी की। तो मैंने इन प्रैक्टिस भी देखा है कि अगर 11th लॉर्ड 4th में प्लेस्ड होगा तो पहली चीज़ इन लोगों को प्रॉपर्टी से गेंस रहते हैं हमेशा। मतलब दे विल जनरली इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर मदर्स साइड, जो चीज़ मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी है। तो वो तो बिल्कुल सेट बैठती है चीज़, बिकॉज मैंने बहुत केसेस देखे हैं वहाँ पे आपको दिखेगा कि मदर साइड से प्रॉपर्टी मिल रही है एंड यू नो दे आर गेटिंग दैट इनहेरिटेंस। दूसरी चीज़ जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी है वो ये कि जनरली दीज पीपल दे हैव गुड अर्निंग्स फ्रॉम लैंड। मतलब अगर ये किसी प्रकार के प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में जाते हैं तो इनको अच्छे गेंस मिलते हैं। अब जो ख़राब चीज़ें मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी वो ये हैं कि देखिए, बिकॉज जो 11th है वो 6th में चला गया अपने से, तो इस वजह से थोड़ा सा यू नो कि ये कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे लोग जो हैं जिनका 11th लॉर्ड 4th में प्लेस्ड होगा, बिकॉज 11th हाउस जो है वो आपकी मोबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी नीस को, या आप जो चलते हैं, तो इस वजह से अपने से छठे में चला गया वो। तो इस वजह से ये जो लोग हैं जिनका भी 11th लॉर्ड 4th में प्लेस्ड होगा, जनरली अगर ये कॉम्बिनेशन में एफ्लिक्शन आ जाए 11th लॉर्ड में, तो दीज पीपल यू नो दे आर अ लिटिल एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाहिकुलर एक्सीडेंट ही होगा, बिकॉज वाहिकुलर एक्सीडेंट में वीनस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है, बट यू नो एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट दे कैन हैव विच कैन इफेक्ट देयर नीज। समटाइम्स अगर 8th का संबंध आ जाए तो डीजनरेटिव नी डिजीज भी हो सकता है, बिकॉज अष्टम का यहाँ पर संबंध आ रहा है। छठे का संबंध आ जाएगा तो इट कैन बी सम काइंड ऑफ इंजरी, स्पोर्ट्स की वजह से हो सकती है या वाहिकुलर हो सकती है, कहीं गिर गए उसकी वजह से हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनका नी जो है वो इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो 11th हाउस इज़ मोबिलिटी एंड 4th हाउस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू व्हीकल्स एंड यू नो मूविंग आउट। सो इसलिए इस तरह की चीज़ भी मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी है। बट अगर हम
प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इनहेरिटेंस की बात करेंगे, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा है। अभी जैसे मैं सिक्स हाउस की बात कर रहा था, अगर सिक्स का संबंध आ जाएगा यहाँ पे, सो सम काइंड ऑफ लिटिगेशन कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व, यू नो, जैसे इनको इनहेरिटेंस मिल रहा हो सकता है उसके लिए लड़ाई करनी पड़े। एट्थ का संबंध आ जाएगा तो दिक्कत भी आ सकती है, यू नो, सम काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्ट्रक्शंस कैन बी देयर, यू नो, व्हेन यू आर गेटिंग योर इनहेरिटेंस। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। दूसरी चीज़, बिकॉज ये सिक्स एट कॉम्बिनेशन है तो जनरली इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर दी मदर। मदर के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है क्योंकि इलेवेंथ लॉर्ड जो है वो चौथे घर से एट्थ हाउस है, इलेवेंथ हाउस, और इलेवेंथ लॉर्ड जो है फोर्थ से वो एट्थ लॉर्ड बन रहा है। तो इस वजह से वन हैज़ टू बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू मदर। वहाँ पे अगर इलेवेंथ लॉर्ड को फोर्थ में किसी भी प्रकार की अफ्लिक्शन मिल गई तो नेचुरली इट विल नॉट बी वेरी गुड फॉर दी मदर। मदर की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, एज के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मतलब सी आई हैव सीन गुड थिंग्स हैपनिंग व्हेन इलेवेंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस, बट इसमें इस कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आई मीन आई हैव ऑल्सो सीन कि अगर अष्टमेश का संबंध बन रहा है यहाँ पे इलेवेंथ लॉर्ड के साथ, या ट्वेल्थ हाउस से कुछ किसी प्रकार का रिलेशन बन जाए, यानी कि ट्वेल्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा हो और वो एक्सचेंज और सम काइंड ऑफ, यू नो, ट्वेल्थ लॉर्ड बीइंग प्लेस्ड इन दी फोर्थ हाउस, इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो देन देयर कैन बी अ लॉस ऑल्सो। तो ऐसी चीज़ें भी इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर ट्वेल्थ का संबंध बन जाएगा यहाँ पे तो विदेश से इनको लाभ होने के चांसेस भी होते हैं, विदेश से प्रॉपर्टी में, विदेश में प्रॉपर्टी बन सकती है, ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो दिस कॉम्बिनेशन, यू नो, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हाउस ऑफ गेन्स जो है वो केंद्र में जा रहा है, प्रॉपर्टी के स्थान में जा रहा है, लेकिन दिस कॉम्बिनेशन जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी। आपको इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ता है कि किस प्रकार के प्लैनेट्स के साथ ये कनेक्शन बना रहा है यहाँ पे, और यू नो, उसकी वजह से आपको देखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर बेनिफिट्स का एस्पेक्ट आ रहा है तो जनरली ऐसा होता है कि बेनिफिट प्लैनेट जो है वो काफ़ी हद तक बैड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट अगेन यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज अगर बेनिफिट रेट्रोग्रेड है चार्ट में तो रेट्रोग्रेड बेनिफिट्स का जो एस्पेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता है, आपको देखना है। अगर यही इलेवेंथ लॉर्ड मेलेफिक बन के फोर्थ में बैठेगा उस केसेज में इट विल बी गुड फॉर गेन्स, बट अगेन बिकॉज फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ मदर ऑल्सो, आपको देखना पड़ेगा कि फोर्थ लॉर्ड की क्या स्ट्रेंथ है, मून किस प्रकार से चार्ट में बैठा हुआ है। तो उसी बिकॉज फोर्थ हाउस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट केंद्र है कुंडली में, तो इसलिए जब भी कोई भी प्लैनेट वहाँ बैठता है हमारे को बहुत ध्यान से उसको स्टडी करना है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स, कुछ एक्सपीरियंसेस ऑन प्लेसमेंट ऑफ इलेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। धन्यवाद।